रतलाम शहर में भारत शासन की तरफ से बढ़ते हुए मलेरिया के प्रकोप को देखते हुए उसे रोकने हेतु रतलाम शहर में भारत शासन के निर्देशानुसार मच्छरदानी वितरण मलेरिया विभाग द्वारा किया जा रहा है, जो कि रतलाम शहर में ही नहीं पूरे जिले में यह कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। रतलाम शहर में लगभग 15 से 20 केंद्र ऐसे बनाए हैं जहां पर मलेरिया और डेंगू के मरीज पाए गए थे। इन 15 से 20 क्षेत्रों में लगभग 50 से 60 हजार मच्छरदानी वितरित करने का लक्ष्य रखा है। मच्छरदानी राशन कार्ड के आधार पर हर वर्ग के व्यक्तियों को वितरित की जा रही है, जिसके अंदर तीन प्रकार की मच्छरदानियां हैं। दो बड़े व्यक्तियों के लिए बड़ी मच्छरदानी, एक बड़े व्यक्ति के लिए मीडियम साइज की मच्छरदानी और छोटे बच्चों के लिए छोटी मच्छरदानी प्रदान की जा रही है। रतलाम से ईएमएस टीवी के लिए दीपक चौरड़िया की रिपोर्ट।